किसमिस खा लो। एवरीवन गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। गाइस सबसे पहले आपको क्या करना है, दो मुट्ठी चावल लेना है और एक मुट्ठी चावल को अच्छे से ही मिक्सी में पीस लेना है और आधा दूध आधा पानी लेना है। अगर आपके पास आधा दूध नहीं है, थोड़ा सा भी दूध है तो कोई नहीं, आप खोए वाली खीर बना सकते हो। बस आपको चावल को थोड़ा सा पीस लेना है, इससे आपका क्या होगा, जो दूध का पतलापन है ना वो मोटा हो जाता है और खाने में बहुत ही अच्छा वाला टेस्ट आता है। और अपने स्वाद के अनुसार आप जितना भी मीठा खाते हो उस हिसाब से आपको चीनी इसमें डाल देनी है। तो मैं अपने स्वाद के अनुसार से मैंने 5 से 6 चम्मच चीनी डाली है और इसको अच्छे से बीच बीच में चलाते रहेंगे। इसके बाद यहाँ पर मैं काट रही हूँ ड्राई फ्रूट। यहाँ पर मेरे पास छोटी इलायची ख़त्म थी, वो नहीं है, आप डाल दोगे ना इससे स्वाद आपका बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो चलिए ड्राई फ्रूट काट लेते हैं, फिर थोड़ी देर से मिलते हैं जब तक हमारी खीर पक रही है ना। खीर अंदर बन रही थी और मौसम एकदम से इतना ज़्यादा प्यारा हो गया है, आपको दिखाती हूँ क्या मौसम आया है। अकेले ही मौसम का मज़ा ले रही हूँ, ये नहीं है, ये बाहर निकले हैं। और तिरइये जानते हो आप लोग, तितलियाँ, हम लोग बहुत ज़्यादा तितलियाँ पकड़ते थे। ये देखिए ये उड़ रही हैं, दिखे आपको, दिखे कैमरे में शायद ना दिख पाए, ये उड़ रही हैं कैमरे में शायद ना दिख पाए, इतना प्यारा मौसम हो रखा है। बारिश होने होगी तो बारिश पक्का ही होगी, सुबह से थोड़ी 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 बारिश हो रही है, आज सैटरडे है, अगर आज बारिश हुई ना तो फिर बारिश निकलने से रही नहीं, बारिश होती रहेगी। ये देखिए कितनी सारी उड़ रही हैं लेकिन कैमरे में नहीं कैद हो पा रही हैं, और बाहर से ये डोर बंद करके चले गए हैं, मैं खोल रही हूँ और खुल ही नहीं रहा, ये देखिए बंद, बाहर अपना चले गए, मुझे अंदर कमरे में बंद कर दिए। सोचिए मुझे मुझ बेचारी अकेली लड़की को कमरे में बंद कर दिया इन्होंने, और बरामदे में अंधेरा हो गया है क्योंकि बाहर से आवाज़ आ रही है, देख भी नहीं सकती हूँ, कमरे में बंद कर दिया इन्होंने। और मैं बना रही थी खीर, अभी दिखाती हूँ, ये देखिए हमारी पक रही है। जब तक पक रही थी जब तक मैंने कहा कि बाहर का मौसम देख लेते हैं, तो ये लगभग पकने वाली है। और ये जो आपको गंदा लग रहा होगा ना, तो मैं उधर काम करने लगी थी, दूध खोल के गिर गया, और ये रहा ताजू, तो इसको पकने देते हैं और मिलते हैं थोड़ी देर से। अभी दिखाऊंगी आपको बीच में खीर, अभी आधी आधी रेसिपी दिखाई है ना, अभी आधी बाकी है, तो बस मौसम दिखाने के लिए भाग गई थी। और मैं यहीं बैठूंगी, मौसम का इंजॉय लूंगी यहीं बरामदे में, यहीं पर बैठ के देखूंगी, बारिश का लुत्फ़ उठाऊंगी। बाहर तो जा नहीं सकती हूँ, कैद कर दिया इन्होंने मुझे घर के अंदर, तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर से आप लोगों से। और हाँ, आज आप लोगों को दिखाना है क्या मेरा रूम, तो जल्दी दिखाऊंगी, है ना, आप लोग बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे, तो फाइनली आज हम दिखा देंगे। वैसे मैं दिखाती ना, लेकिन रीज़न नहीं यार, बहुत ज़्यादा हो जाता है, मैं दिखाती ना इस वजह से मैं दिखा रही हूँ, आप लोग कमेंट भी बहुत ज़्यादा कर रहे हो और बोल रहे हो कि इग्नोर करें, इग्नोर नहीं कर रही थी, बस सेट नहीं कर पा रही थी, लेकिन फिर भी जैसा भी है जो भी है दिखा दूँगी, फिर जब अच्छे से सेट करती जाऊँगी करूँगी, जब फिर अच्छे से सेट करूँगी तो फिर दोबारा से दिखा दूँगी, ठीक है। तो चलिए मिलती हूँ अभी थोड़ी देर से। तो गाइस ये देखिए खीर हमारी पक चुकी है और दूध देख रहे हैं अब कितना ज़्यादा गाढ़ा हो गया है ना। अब बस ड्राई फ्रूट को इसी तरीके से डाल के ढाक देना है, क्योंकि ठंडे होने के बाद थोड़ी देर के बाद खीर जम जाती है। तो बस हमारी खीर रेडी है, कैसी लग रही है बताइएगा ज़रूर। ये देखिए मैडम जी क्या कर रही हैं, सो रही हैं, और टाइम बज रहा है समय 3:15, और देखिए ये क्या कर रही हैं महारानी जी। जगा रहा था कब से तुम्हें मारे, इनको मैं कब से जगा रहा था, उड़ नहीं रही है ये बैलू, ये बैलू
किधरा काम आता है, एक सजाने का काम भी छोड़ने का भी काम। वीडियो मेरी बना रहे हो, दिखाना चाहते कितना आराम फरमाती हो आप। तो ये बताओ आराम ना करो मैं कितना सोती हूँ रात में, दिन में बहुत सोती है ये। देख लो भाई क्या है, अब तुम देखो तुमको मैं क्या करती थी, देखो तुम माफ कर दिए नहीं। अरे पागल औरत, चुपचाप कैमरा वैमरा हटाओ, नींद आ रही थी। उड़ो, चलो चाय बनाओ। पापा देखो क्या कर रहे हो, बाबू मुंबई से चाय बनाए। पापा खींचो, पापा खींचो काट, पापा खींचो काट। दे तो मम्मा क्या कर रही है, तो खींचो। मम्मा क्या कर रही है, देखो मैंने उठा दिया, उठाने का सही तरीका। तो गाइस ये है एंट्री, यानी कि जो बरामदा है ना उससे एंट्री, बाहर का मैं नहीं दिखा पा रही हूँ क्योंकि बारिश हो रही है। और ये वाली रिकॉर्डिंग मैंने काफ़ी दिन पहले कर ली थी जो आज मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। जैसे आप एंट्री करोगे तो सामने वाला रूम देवरानी जी का है, बगल वाला रूम पापा जी का है, और जिसमें पर्दा लगा है ना वो मेरा रूम है। वहाँ पर हमें कुछ लगवाना है क्योंकि वो खुला है। और जस्ट ये है सामने किचन, किचन तो आप देख ही चुके हो ना, और आप देख ही चुके हो सभी चीज़ें, लेकिन मैं आज आपको अच्छे से ही दिखाऊंगी। तो ये है हमारा किचन, और जो मैंने इस पर बिछाया हुआ है ये टाइल नहीं है, ये एक पन्नी है, जिसकी लिंक मैं नीचे दे दूंगी, आप देख लीजिएगा उस वाली वीडियो में कि मैंने इसको कैसे बिछाया और ये क्या है। 100 रुपये में बस ये मेरा काम हुआ है, किचन का मेकओवर हुआ और काफ़ी अच्छा लगता है। आप देख लो इस पर गंदगी भी नहीं जमती और अच्छे से साफ़ हो जाती है, टाइल की तरह ही है। और ये है हमारी फ्रिज, और जैसे किचन से सामने आप देखोगे ना तो मेरा रूम नज़र आता है, जहाँ पे हमने सोफा वगैरह रखा है वो है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए जस्ट बाहर का डोर है, ये जो आपको देख रहे हो ना ये वाला, ये बाहर वाला डोर है, और ये है एंट्री जहाँ से हम हमारे रूम में जाते हैं। यहाँ पर हमने सोफा रखा, और ये है सीनरी जो इनको गिफ्ट में मिली थी, पेंटिंग टाइप की, बहुत ही प्यारी है। और यहाँ पर ये मैंने अपनी सिलाई मशीन रख दी है जो अभी ख़राब है, इसका यूज अभी बहुत दिन से नहीं हो रहा है। यहाँ पे टेडी वेडी ऐसी रख दी है, अभी इन सबको अच्छे से सेट करना है। जैसे जो सामान था रख दिए, लेकिन आप लोग इतना बोल रहे थे तो आप लोगों को दिखाना ही था। और ये बर्थडे के पहले की क्लिप थी, इसलिए मैंने इसको रिकॉर्ड किया था कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। तो मैंने कहा चलो आज इस वीडियो में तो मैं पक्का ही दिखा देती हूँ। और ये है हमारा सोफ़ा, और यहाँ पे टेबल पे एक मैंने छोटा सा रख दिया है फूल, क्या बोलते हो यार इसको, कभी कभी याद ही नहीं आता है। और ये है ऊपर का, कुछ इस तरीके का दिखता है। और आप लोग कुछ बताइएगा, कुछ अलग देखना है आप लोगों को, कुछ आप लोग सजेस्ट करना चाहते हो कि दी ऐसा कर लो, तो आप लोग सजेस्ट ज़रूर कीजिएगा। और ये दो फ्लावर हैं जो काफ़ी ज़्यादा प्यारे लगते हैं, ये लेकर आए थे यार, इतने सारे फ्लावर लाए थे लेकिन उनमें से मुझे बस यही पसंद आया था। और जब आप सोफ़े की साइड से देखते हो तो कुछ इस तरीके का लुक दिखता है। और गणेश जी जो टंगे हुए हैं ना, इनको मुझे ये दरवाजे के सामने टांगना है, क्योंकि गणेश जी का मुंह बाहर का होता है, ये यहाँ पर ऊपर के साइड में। इसी से हम आ जाते हैं हमारे कमरे में, या इसका मेकओवर जो मैंने किया था, इसमें मैंने अपना सब कुछ रखा हुआ, मेकअप का आधा सामान है आप देख सकते हो, इस तरीके से मैंने सजा दिया है। अभी उतने अच्छे से नहीं हुआ लेकिन आप लोगों को दिखाना था, इस वजह से जल्दी जल्दी मैंने रख दिया। जो मेरी डेली यूज की चीज़ है उसको मैं यहाँ पे सामने ही रखी हूँ। और अभी ये लेटी हुए हैं, इनको उठाऊँगी तब बेड भी दिखाऊँगी, बेड की साइड। और ये है हमारी AC, और घड़ी जो है वो ऑनलाइन है, अगर आप लेना चाहते हो लिंक दे दूँगी। बहुत ही अच्छी घड़ी है, बहुत ही प्यारी है, और 2 साल से चल रही है। यहाँ पर हमने 3 अलमारी सेट कर दी है, और ये है मेरा ड्रेसिंग टेबल, और ये जो पर्दा है ना बाहर से मैंने आपको दिखाया था ना, वो वाला पर्दा था। तो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ बेड, क्योंकि मैंने इनको हटा दिया, मैंने कहा आप जाओ बाहर। अब देख रहे हो ना जो पर्दा हिल रहा है, तो ये बाहर का है, बाहर से मतलब कि जो मैंने आपको दिखाया था ना कि मेरा रूम है, तो यहाँ से भी एंट्री है, लेकिन यहाँ पे हमें लगवाना है दरवाज़ा, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है खुला खुला, और ऊपर से कुछ ऐसा लुक दिखता है। तो कैसा लग रहा है बताइएगा ज़रूर, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो पीछे रखा हुआ बाबू का गुड्डा, और यहाँ अलमारी खोलोगे तो इतना स्पेस मिलता है कि आप सामान निकाल सको, और यहाँ पे इतना स्पेस है, यहाँ पे काफ़ी है, एक बिस्तर लगा के आप नीचे लेट सकते हो। और इसके बाद हम ये देखिए आ गए बाहर,
ये जो हमने आपको दिखाया था ना ये, तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं। सामने वाला देवरानी जी का रूम है, ये बगल वाला पापा जी का, तो बस आपको दिखाते हैं। तो ये है पापा जी का रूम, एक बेड लगा हुआ है, उनके कपड़े प्रेस हुए हैं, इन्हें अभी जब ठंडा हो जाएगा ना तो इसको इसमें हैंगर में लगा के टांगना है, और उनकी अलमारी रखी हुई है, और ये बगल में बक्सा है। कैसा लगा बताइएगा जरूर। गाइस अभी आप लोगों ने देखा ना कि इन्होंने क्या किया मेरे साथ, तो उसका बदला तो मुझे लेना ही लेना है। और ये बोल रहे थे कि ये गुब्बारा फोड़ने से पहले मुझको उठाए थे। अभी मैं वीडियो देख रही थी, एडिटिंग करती रहती हूँ, तो मैंने कहा ला देखती हूँ। जब मैंने उसको देखा, एक बार भी इन्होंने मुझे नहीं उठाया, और झूठ देख रहे आप लोगों के सामने ही चोरी पकड़ी गई है इनकी, जो इनका झूठ था वो सामने ही आ गया। फिलहाल आप लोग भी देख लोगे, देख लिया ही होगा, और इसका बदला मुझे लेना ही है। मैं जा रही हूँ, चोरी से ट्राइपॉड लगा दूंगी, और फिर मैं भी इनकी बजाती हूँ बैंड। ठीक है, आप लोग देखना चाहते हो ना, चलते हैं, बदला तो लेना ही लेना है ना। अरे यार क्या कर रहे हो, उठोगे नहीं, चाय नहीं पियोगे, उठो तो, उठो, चलो देखो कौन आया है, उठो चलो तो, उठो देखो कौन आया है। अच्छा चलो मैं मोबाइल तुम्हारे सामने, देखिए गाइस ये सो रहे हैं, उठ नहीं रहे हैं, उठो उठो यार, कोई आया, सोने दो, कोई आया बुला रहा तुमको, कहाँ पता नहीं, कह रहा कि बुजी तू बुला, कहाँ कहाँ कौन? कोई नहीं है, मजाक कर रही थी, इधर आओ। अब कहाँ जा रहे हो, देखिए गाइस ये सो के उठे, कहाँ कहाँ घूम रहे, कहाँ कहाँ घूम रहे, पानी पी रहे हो, मुंह तो धुल लो यार। तुम तो कहते चाय बना है, चाय नहीं बना, हमका कोई आया है, चाय बनाओ, चाय नहीं बनाएंगे, इधर आओ, दुकान खुल जाएंगे, चलो इधर आओ। अच्छा सुनो सुनो, देखो आ यार, देखो हम तुमको दिखा रहे हैं कि सोने सो के उठते हैं मेरे हस्बैंड क्या क्या करते हैं, देखो क्या क्या करते ये क्या कर रही हो, वीडियो डिलीट कर देना, वीडियो डिलीट कर देना, वीडियो बचना नहीं चाहिए, डिलीट होना चाहिए। क्या कर रहे हो यार, बिछा क्या लगा घूम रहे हो, क्या कर रहे थे, मेरे साथ करे बेटा तो नहीं, अपने साथ करे तो डिलीट कर देना, पापा क्या बोले, अपने से, अच्छा मुझे कह रहे कि उठाए थे, एक बार भी नहीं उठाए हो, हाँ अगर उठाए हैं मैंने वीडियो में देख लिया, देख लिया देख लिया देख लिया, रुक जाओ मुझे, अरे मोबाइल चला, मोबाइल 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 मोबाइल। हेलो, आप खीर नहीं खाओगे, मम्मा खीर बनाई है, खा लो, क्यों कच्चा है, क्या कच्चा है, नहीं अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, एक बार खा के तो देखो, नहीं खाना, नहीं क्यों, जो होते हैं रखा बिया बिया, तो ये आप क्या खा रहे हो, ये खाए। क्या खाए बता दो सबको, क्या खा रहे हो आप, कीवी, हाँ। कीवी नहीं बोलते इसको, छुहारा है, छुहारा, अब जो किया है, जो किया है, ये क्या है, हाँ। किशमिश है, बोलो किशमिश, किशमिश किया है, ये छुहारा है, छुहारा, अब उसको बता दो किशमिश है, कह दो आओ खा लो मौसी, अब आओ मौसी खा लो किशमिश, खा लो किशमिश, खा लो, अब एक पुच्ची दे दो, पुच्ची दे दे, नहीं देना, नहीं चलो।
इस रात के बज चुके हैं, हंसी आ रही है आज की ब्लॉगिंग पे। और क्या भाई भाई बताऊं, फिर भी बता देती हूँ। ये देखिए चाय बन के आई है और रात के पति और पत्नी एक दूसरे की खींचे टांग खींचे टांग, पति और पत्नी एक दूसरे की खींचे टांग क्या बोल रहे हैं। और 11:30 बजने वाले हैं और अब हम जा रहे हैं सोने, सोएंगे नहीं, लेटेंगे, जब नींद आएगी जब भी सो जाएंगे। बाबू सो चुकी है तो मैंने कहा चलो ब्लॉग का एंड कर देते हैं। बाबू बीच में लेटी है, ये थोड़ा सा दिखाती हूँ, ये देखिए नहीं सोते हुए नहीं। तो बस आज हम करते हैं ब्लॉग का एंड। आज इन्होंने जो करतूत की है मेरे साथ उसका बदला तो मैंने ले लिया, और आप लोगों को सही लगा कि नहीं, जो मैंने अपना बदला पूरा किया, अगर क्या बोलते उसको बुरा लगा हो तो बता दीजिएगा, दोबारा इससे नहीं लेंगे। और ये हमेशा मेरे साथ ऐसे ही करते रहते हैं फ्रैंक, मजाक मस्ती चलता रहता है। लेकिन पहली बार इन्होंने कैमरे के सामने ये सारी हरकतें की, कैमरा चालू करके, और मैंने भी सारी हरकतें कैमरा चालू करके की। ये भी करते हैं, मैं भी करती हूँ। तो जो हमारा हंसी मजाक है जो ये चलता रहता है, अगर आप लोगों ने इंजॉय किया है, आप लोगों को अच्छा लगा है तो बताइएगा ज़रूर, आगे से हम ज़रूर शेयर करेंगे, है ना, बार बार करेंगे। हाँ, तुमको तो मौका मिलना चाहिए। तो बस व्लॉग का एंड यही करते हैं और मिलते हैं अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।